हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। इस समय लखनऊ में है। लखनऊ कभी नवाबों का शहर हुआ करता था, लेकिन अब ये लक्ष्मणपुरी होने की दिशा में अग्रसर है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर पूरे देश में या यूं कहें कि पूरे विश्व के श्री राम भक्तों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखते ही बन रहा है। लखनऊ में इस समय जगह जगह झंडों की दुकानें लगी हुई हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग अपने अपने घरों में झंडे लगा रहे हैं। और यहाँ भी देखिए कई सारे झंडे भाई साहब ने बेचने के लिए रख रखे हुए हैं। इसमें वैरायटी कई है। और इन सब झंडों की एक खासियत है कि भगवान राम की जो है ना, वो हर झंडे में आपको देखने को मिलेंगे। जय सिया राम से जो है जय श्री राम तक का सफर मर्यादा पुरुषोत्तम ने पिछले कई शताब्दियों में जो है तय किया है। तो क्या नाम होगा आपका? विनीत शुक्ला। विनीत शुक्ला जी, आज कब से लगी है दुकान आपकी? आज 6-7 दिन हो गए। 7वां दिन है आज। झंडों की रेंज क्या क्या होगी आपके पास? जैसे ये 50 का है, वो 40 का है, 30 का, 20 का है, 20-20 रुपए के हैं। अच्छा, तो बाइक में भी झंडा लगाने की व्यवस्था है जी। अच्छा, ऐसे लगता होगा ये जी, जी। चलिए बढ़िया। तो ये बताइए, क्या आसपास के लोग ही आते हैं या दूर के लोग भी आ रहे हैं झंडा खरीदने? जो रास्ते पे निकल रहे हैं वो भी ले जा रहे हैं, आस के लोग भी आ रहे हैं, लगा भी रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप दुकान ही लगाए हैं या मतलब संगठन के कार्यकर्ता हैं इसलिए दुकान लगाए? नहीं, दुकान लगाए हैं संगठन के, तो भाजपा के तो है ही है। व्यवसाय और आस्था दो कारण है। दो कारण है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये देख रहे हैं लखनऊ जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के आगमन की खुशी में है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा मैम? बबली त्रिवेदी। बबली त्रिवेदी जी, क्या कहेंगी? श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है परसों यानी 22 तारीख को, क्या कहना है? अरे, इससे अच्छा सौभाग्य कुछ और हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा कि मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि हमारे प्रभु राम जी विराजमान हो रहे हैं। बहुत बहुत ही खुशी है। सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, मोदी जी ने, कि जो आम नागरिक है वो 22 तारीख के दिन अयोध्या ना आए, उसके बाद आए दर्शन के लिए, क्योंकि प्रशासनिक रूप से व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत हैं कि शायद है कि उनको एंट्री ना मिल सके। तो इसको किस तरह से देखती है? हम अपने घर में मनाएंगे, दीपावली के तरीके मनाएंगे राम उत्सव, और दीपक जलाएंगे, झंडे लगाएंगे, पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। बतौर भारतीय नागरिक और बतौर राम भक्त आपको ये नहीं लगता कि आपको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए? हाँ, ऐसा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की सुरक्षा के लिए मना किया है, तो हम अपने घरों में ही दीपक जलाएंगे और बिल्कुल उस उत्साह से मनाएंगे जैसे दीपावली मनाते हैं भगवान रामचंद्र जी की खुशी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं देश में जो हिंदू धर्म से हैं और वो नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण मिलने के बावजूद कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, उस पर क्या बोलेंगे? सभी लोग अपने अपने घरों में मनाएंगे, और जो भी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो भी निर्णय है हमारी सुरक्षा के लिए है। बहुत अच्छा। हमारे साथ और भी हैं भाई साहब लोग, क्या हुआ आप लोग विरक्त खड़े हुए हैं दुकान से, कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, हमारा तो बाइक में झंडा लगा के चल रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर जगह राम नाम की बहार आई हुई है, हर जगह झंडे भगवान दिख रहे हैं, गमछे दिख रहे हैं, और बहुत उत्साहित है। हम लोग हर चौराहा सजाएंगे। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर मंत्री हूँ, मेरा नाम मनीष शुक्ला है, और हम लोग हर चौराहा सजाएंगे, हर मंदिर में जश्न मना रहे हैं, कहीं सुंदरकांड कर रहे हैं, कहीं प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आतिशबाजी करेंगे, और हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ा जो बलिदान दिया था राम मंदिर के लिए, वो हम लोगों ने बनते हुए देखा है, प्रभु विराजमान हो गए हैं। 22 तारीख के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, और दीपावली हमारी जो होगी वो 22 तारीख की ही दीपावली होगी। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं चूंकि, इसलिए आपसे ये सवाल लाजमी हो जाता है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, तो क्या इस पर डिफेंस है या कोई स्पष्टीकरण है? बतौर बीजेपी कार्यकर्ता क्या कहना है? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल जो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा था, ठीक है, इवेंट है, तो मैं ये बिल्कुल सही कहूंगा, ये हमारा इवेंट है, और हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों ने बड़ा बलिदान दिया है, हमारे
अशोक सिंघल जी ने इसकी मुहिम चलाई थी और आज ये पूर्ण हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब हम लोगों ने संघर्ष किया है तो हम लोग राम नाम को लेके आगे चले, आगे भी चलते रहेंगे और हम इसको क्यों ना भुनाएं। वो लोग भी भुनाने में लगे हैं, वो लोग बस ये राम नाम को गलत तरह से पेश करके हम लोगों का राम नाम का विरोध करके वो लोग भुनाने में लगे और हम लोग राम नाम जपते आए हैं और आगे उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कह रही है कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया, क्या इस तरह की जो बातें हैं? ताला तुड़वाया, गोली चलवाई, ये सब तो वो लोग जानते ही कि उन्होंने क्या किया है। हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को, आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और उठा उठा के जेल में किस तरह से जेल के अंदर गोली मरवाई गई, ये नेहरू परिवार ही सही से जानता है। दूसरी बात एक और है कि अभी जैसे ये है कि कुछ लोग जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, कुछ बाद में जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि वो अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो ऐसे कार्यक्रम में जाना नहीं पसंद करेंगी जहां पर सर्वधर्म समभाव ना हो, सभी धर्मों को समान रूप से वरीयता ना मिले। तो क्या सभी धर्मों का वरीयता क्रम बिगड़ा हुआ है? ऐसा कहीं नहीं है। वहां पे राष्ट्रपति जी भी जा रही है जो ऐसी समाज से हैं, और भाई मोदी जी भी जा रहे हैं, सारे धर्म के लोग जा रहे हैं, और प्रभु राम जिनको बुला रहे हैं वही लोग जा रहे हैं। जो लोग पापी हैं, जिनके मन में राम नाम को लेके विरोध रहा है, वो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मुझे लगता है जो लोग कह रहे हैं बाद में जाएंगे, मुझे लगता है वो बाद में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रभु राम नहीं बुलाएंगे तब तक वो जा नहीं पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? प्रभुजीत। प्रभुजीत जी, क्या बोलेंगे श्राम मंदिर को लेकर? क्योंकि आरपी सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सरदार आरपी सिंह जी, उन्होंने मोदी जी से प्रेरणा लेकर जो है वो भी जो है अनुष्ठान शुरू किए हैं। कल वो पहुंचेंगे अयोध्या और 21 तारीख को जो है वो वहां का जो गुरुद्वारा है अयोध्या जी का, वहां पर भोज के साथ ये उनका अनुष्ठान समाप्त होगा। आप लोग कैसा महसूस करते हैं बतौर सिख? बतौर सिख बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि श्री राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है एक बहुत ही सही कह सकते हैं कि जगह पे हो रहा है, और बहुत सही दृष्टि से हो रहा है, सेवा भाव से हो रहा है। और श्री राम जी का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि कर्म की चिंता कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्म ही करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको मिलेगा, भगवान पे विश्वास रखो। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है अयोध्या जाकर दर्शन किया, पुरातन जन्म साकी में ऐसा वर्णन है, और उसके बाद गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और ये तेग बहादुर जी, सबकी आस्था रही है भगवान श्री राम पर। कैसे देखते हैं इसको? इसको सर अगर मैं देखूं कि सभी के दृष्टिकोण सबका समान है, उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सारे भगवान एक समान है, ना कोई ऊंचा है, कोई ना नीचा है, सबका भगवान का जो मैसेज है वो क्लियर है कि हमें इंसानियत को देखना है, धर्म और जात को नहीं देखना है। बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सुमित के साथ अंशुमान, लखनऊ, लिली न्यूज़।